मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में चुनाव नहीं लड़ने के बात कहने के बाद से पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं सिवनी मालवा विधानसभा के वर्तमान भाजपा पार्टी के विधायक सरताज सिंह और भी मुखर हो गए हैं। विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सरताज सिंह ने कहा है कि भाजपा पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे के समय की पार्टी नहीं रही है, बहुत बदलाव आ गया है और इसलिए मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। दो बार बैठ चुकी मेरे पास, उनसे काफ़ी लंबी चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया, बुलाया, बात की, तो मतलब पार्टी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। कहीं ना कहीं एक बात ये और आ रही है कि 3 साल बाद ये चीज़ें निकल रही है, कल भी ये चीज़ आई थी सामने। चीज़ें तो इकट्ठी होती रहती हैं और जब समय आता तो निकलती हैं। अब इस समस्याओं का निदान आप किस तरीके से देखते हैं? 2018 जो चुनाव, देखिए मैंने जो कुछ किया है पार्टी के हित में किया है। अगर कहीं गलती हो रही है तो संभलने का मौका आज हमारे पास है, समय भी है, तो ये बात मैं पार्टी तक पहुंचाना चाहता हूं और हमारे कार्यकर्ता तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो पहले पार्टी थी ठाकरे जी के समय वैसी स्थिति नहीं रही। अब ये कहने में इसमें हम पार्टी को कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि हम तो पार्टी को एक तरह से आगाह कर रहे हैं। एक चीज़ और ये सामने आ रही है टीवी चैनलों पे या अलग से जो बयान आ रहे हैं बीजेपी से जुड़े बड़े नेताओं के, जैसे अध्यक्ष का भी बयान आया था कि पार्टी फोरम में ये चीज़ें रखना चाहिए, इस तरीके से मीडिया में नहीं आना चाहिए, तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।